यस स्टार्ट। भारत और नेपाल के बीच व्यापार और पारगमन संधि के मामले को लेकर संबंधों में जो कटुता आई है उसे अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को झुकाने और नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि दोनों देश संबंध सुधारने की दिशा में गंभीरतापूर्वक सचेष्ट हों। भारत और नेपाल के बीच कटुता दोनों में से किसी के भी दिल में नहीं हो सकती और इसका फायदा कुछ दूसरी ताकतें उठा सकती हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में अशांति फैलाने को उत्सुक हों। इस दृष्टि से भारत की यह विशेष जिम्मेदारी हो जाती है कि वह कटुता का वातावरण न बनने दे। प्रधानमंत्री को इस विवाद को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के बजाय ऐसा रास्ता खोजना चाहिए जिससे दोनों पक्षों के बीच विवाद शीघ्र समाप्त हो। भारत के संबंध उसके अन्य निकटतम पड़ोसियों पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश से भी बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं हैं। इस दृष्टि से भी भारत पर यह विशेष जिम्मेदारी है कि वह नेपाल के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध कायम करे। दो देशों के नेताओं को परस्पर छिद्रान्वेषण की नीति त्याग कर रचनात्मक दृष्टि अपनाना होगा। हाल ही नेपाल के एक सरकारी प्रवक्ता ने यह बयान दिया कि भारत ने नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी कर दी है और नेपाल में आवश्यक वस्तुओं का भारी अभाव उत्पन्न हो गया है। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा कि नेपाल का आर्थिक नाकेबंदी का आरोप गलत है और नेपाल जो चीज़ें मांग रहा है वे बदस्तूर उसे भेजी जा रही है। 23 मार्च से 9 मई तक पौने 2 करोड़ से अधिक की उपभोक्ता वस्तुएं नेपाल भेजी जा चुकी हैं। प्रश्न भारत की ओर से सफाई देने का नहीं है। ये बात निर्विवाद है कि व्यापार और पारगमन संधि को लेकर जब से दोनों देशों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है तब से नेपाल के बाजारों में उपभोक्ता वस्तुओं का भारी संकट उत्पन्न हुआ है और उपभोक्ताओं की आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए लंबी कतारें लगने लगी हैं। यदि भारत माल भेज रहा है तो फिर वह जा कहाँ रहा है, जबकि नेपाल अन्य देशों से भी माल का आयात कर रहा है। यह भी संभव है कि नेपाल में व्यापारी वर्ग दोनों देशों के बीच तनाव का लाभ उठाकर जमाखोरी कर रहा हो। नेपाल की सरकार को भी अपने देश में इस बात की जांच करानी चाहिए, क्योंकि आरोपों प्रत्यारोपों से समस्या का समाधान होने के बजाय समस्या और उलझ जाएगी। भारत सरकार अब तक इस बात को भी आम जनता के सामने पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि विवाद का ऐसा क्या मुद्दा है जिसका समाधान ही नहीं हो पा रहा है। पारगमन और व्यापार की जो संधि अब तक चली आ रही थी उनके स्थान पर भारत अब एक ही संधि करने के पक्ष में है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है, किंतु यह समस्या ऐसी नहीं है जिसका बातचीत से कोई समाधान न निकल सकता हो। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिए जिससे
बातचीत की संभावनाएं ही समाप्त हो जाएं और कटुता अधिक गहरी होकर स्थायी रूप ले ले। यदि ऐसा हुआ तो यह दोनों मित्र देशों के लिए दुर्भाग्यजनक बात होगी। व्यापार और पारगमन से भी अधिक महत्वपूर्ण भारत और नेपाल के बीच सन 1950 की पारस्परिक सहयोग और मैत्री की संधि है, जिसके तहत दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे देश में स्वतंत्रतापूर्वक आवागमन और व्यापार करने की आज़ादी है। खतरा यह भी है कि दोनों देशों के बीच उत्पन्न कटुता कहीं इस संधि के आधार को ही छिन्न भिन्न न कर डाले। ऐसा होने पर दोनों देशों के लाखों नागरिक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेपालियों और भारतीयों के बीच परंपरागत मैत्री कायम करने की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि समस्या का अविलंब कोई ना कोई समाधान खोजा जाए और इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के बजाय व्यवहारिक दृष्टि अपनाई जाए। नेपाल और भारत की सरकारों के बीच कटुता दोनों देशों की जनता को अधिक सहन नहीं होगी। इस संदर्भ में एक आशाजनक बात यह है कि नेपाल सरकार का रुख पहले से कुछ नरम पड़ा है। भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए और वार्ता के लिए पहल करनी चाहिए। हालांकि भारत की ओर से नेपाल को औपचारिक वार्ता का निमंत्रण दिया जा चुका है, किंतु औपचारिकता के दायरे से बाहर निकलकर अनौपचारिक रूप से वार्ता का आधार तैयार करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। नेपाल सरकार के प्रवक्ता ने यह स्पष्ट कहा है कि भारत आपसी संबंधों के मामले में विस्तार से चर्चा वार्ता करने का इच्छुक होता है।